अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है आलू और मटर से बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट। मैं आपको आलू और मटर की दो रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो फुल वीडियो वॉच करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैंने ये बॉयल आलू लिए हैं और ये मटर लिए, लगभग दोनों बराबर लिए हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। किसी भी तरीके से इसे अच्छे से मैश कर लें, चाहे ऐसे या इस तरीके से भी अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। सारे आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। आलू को मैश करने के बाद मैंने कढ़ाई में ये एक चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम एक चम्मच सौंफ फ्राई करेंगे, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा। राई जीरा अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत थोड़ी सी हींग ली है और एक बड़े साइज की प्याज ली है, उसे मैंने फाइन चॉप किया है। प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे, इससे प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। प्याज को हमें अच्छे से डार्क ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो रही है, 5-10 सेकंड इसे हम और फ्राई करेंगे। हमें प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर को हमें 1-2 मिनट इस मसाले के साथ में फ्राई करना है ताकि मटर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। आलू तो हमारे बॉईल किए हुए हैं। फ्लेम को लो करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर लेंगे। मसाला अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। हमने सूखी मिर्ची ली है तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। अब इसमें हम बॉईल किए हुए आलू जो हमने मैश करके रखे हैं वो आलू मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी डिश है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू को अच्छे से हमने इस मसाले के साथ में फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच शक्कर मिक्स करेंगे। शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमने आलू को मसाले के साथ इतनी देर फ्राई करना है कि ये मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मटर सॉफ्ट हो गई है। 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेंगे। गैस बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा आलू और मटर का मसाला बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है।
इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये मैंने बेसन लिया है, बेसन में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स करेंगे और बहुत थोड़ी सी हल्दी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ काफ़ी सारा पानी नहीं डालना है, हमें बहुत गाढ़ा घोल भी नहीं बनाना है और बहुत पतला घोल भी नहीं बनाना है। इसे हम अच्छे से फेंटेंगे तो उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा मिक्स करूंगी। ये बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये मसाला भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। ये इस तरह से हमें इसकी बॉल बनाना है। आलू मटर की बॉल्स बनाने के बाद मैंने ये ऑयल गरम करने रखा है। ऑयल गरम हो रहा है, इस बीच हम हमारी दूसरी रेसिपी की भी तैयारी कर लेंगे। ये बॉईल किया हुआ आलू और मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। इस आलू मटर में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करेंगे। हरा धनिया डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, आधी कटोरी इसमें सूजी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने आलू और मटर, आलू बॉईल लिए हैं और मटर जो कच्चे थे उसको दरदरा पीसा है। अगर आलू मटर की सब्जी बनी हुई है तो उस सब्जी से भी हम ये कटलेट बना सकते हैं। ये अच्छे से हमने सब मिक्स कर लिया है, अब इसको जो भी शेप देना चाहें उस शेप में हम कटलेट बना सकते हैं। इस तरीके से बनाएं या इस शेप में बनाएं, मैं कटर से इसको एक अच्छा सा शेप दे रही हूँ। अगर शेप अच्छा रहता है तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये इस तरीके से हम बना सकते हैं और कटर नहीं है तो हाथ से ही कोई शेप दे दे। ये इस तरीके से हम एक अच्छा सा शेप देंगे। ये बना के रख ले रात में और सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम ये कटलेट दे सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये डिश और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। अब हम टर्न कर देंगे, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे ये। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी कटलेट है ये। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे आलू मटर के कटलेट तो रेडी हैं। अब हम ये आलू और मटर के पकोड़े बनाएंगे। ये आलू और मटर की बॉल जो है इसको हम इस बेसन में डिप करेंगे और इस तेल में हम ये पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये पकोड़े की साइड चेंज कर देंगे। हमारे पकोड़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारे आलू मटर के पकोड़े भी कंप्लीट हैं। तो आलू मटर के पकोड़े और कटलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।